भारत के खिलाफ चीन फिर से साजिश रच रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से सटे तिब्बत में चीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट लॉन्चर तैनात करने जा रहा है। ये अत्याधुनिक हथियार चीन के ज्यादातर पारंपरिक हथियारों के मुकाबले काफी संवेदनशील होंगे। भारत की सीमा से सटे तिब्बत के हिस्से को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही काफी विवाद है। बीते दिनों डोकलाम के मुद्दे पर भी दोनों देश एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। चीन द्वारा विकसित की जा रही यह आर्टिलरी पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को निशाना बना सकती है। चीन द्वारा कब्जा किए गए तिब्बत से भारत की लंबी सीमा लगी हुई है। यह पूरा इलाका पहाड़ी और दुर्गम है। ऐसे में चीन द्वारा ऐसे हथियार विकसित करना भारत की चिंता बढ़ा सकता है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी डेली के हवाले से बताया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के तहत पेइचिंग स्थित एक रिसर्च सेंटर के फेलो हान जूनी इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट लॉन्चर के विकास का नेतृत्व कर रहे हैं। हान ने तिब्बत चिंघाई पठार में रॉकेट आर्टिलरी की आवश्यकता महसूस की। ग्लोबल टाइम्स की माने तो हान ने कहा, चीन में बड़े पठार और पहाड़ी इलाके हैं जहां रॉकेट आर्टिलरी से सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। इसके लिए सैनिकों को पहाड़ी इलाकों को पार करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में अब चीन की ओर से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन हमेशा से भारत के लिए बड़ा खतरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।